अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। अच्छा जी, आज जो है ना का दिन अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मैं धोने लगी हूँ कपड़े वॉशिंग मशीन पर, एक और न्यू वीडियो बनाने जा रही हूँ। और आज के जो मेरे कपड़े हैं ना, वो मिक्स कपड़े हैं, यानी कि इसमें मोटे गर्म कपड़े भी हैं और सर्दियों के आम पहनने वाले शलवार कमीज़ भी हैं, टी शर्ट्स भी हैं, सॉक्स भी हैं। मकसद जिस तरह के कपड़े हर घर में होते हैं उसी तरह के कपड़े हैं, सारे मिले जुले से कपड़े हैं। और ये वाले कपड़े मैंने धोने हैं। और उसके अलावा मेरे घर में रात काफ़ी गैदरिंग थी, जिसकी वजह से घर भी बहुत गंदा हो गया, घर बहुत गंदा हो गया था। अभी सारी सफाई वगैरह हुई है, तो अभी मेरी मेड जो है ना वो सफाई करके गई है। बेचारी को आज बहुत सारा टाइम लगा है, मैं उसको टाइम नहीं दे पाई, वो उसने खुद ही की अकेले सफाई। तो उसके साथ साथ जो ना वो घर बहुत गंदा हो गया, और जो रग है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, बच्चे जूतों के साथ फिरते रहे, कुछ ना कुछ खाना भी गिरता रहा, तो मैंने उसको भी आज वॉश करना है। तो पहले जो है ना वो मैं ये वाले कपड़े वॉश करूँगी, और जो इसका पानी है उसको मैंने कैसे रीयूज़ करना है ये आज मैं दोबारा से बता रही हूँ। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा है कि सुपर एशिया की जो सुपर एशिया कंपनी है उसका जो एयर ड्रायर है वो कैसा है। तो जनाब, मैंने इससे पहले जो है ना वो सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन जो है कपड़े वॉश करने वाली, वो मैंने यूज़ की है। सुपर एशिया का एक बड़ा नाम है, और वो तकरीबन मेरा ख्याल है मैंने उसको कोई 25-26 साल यूज़ किया है उस मशीन को। तो मशीन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी चली, बहुत ज़बरदस्त चली। उसके बाद अभी वो मेरी मशीन यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन में थी, तो मैंने ये वाली जो है ना लॉन्ड्री मशीन ले ली, ये हायर की है। और वो उस मशीन को मैंने वैसे ही किसी को दे दिया, और वो मशीन मेरी बहुत अच्छी चली, यानी कि और वो इतनी ही बड़ी थी, वो मशीन भी इतनी ही बड़ी थी। मैं उसमें हैवी, लाइट वेट यानी हर तरह के कपड़े मैं उसमें वॉश करती थी। तो बहरहाल वो मैंने उसको दे दी और 25 साल वो चली। सबसे बड़ी जो आपको एक बात बताऊं कि वो मशीन अच्छी नहीं है, वो नहीं अच्छी, सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप उसको किस तरह से चलाती हैं, कितने हाथ उसको यूज़ करते हैं। मेरे घर में सिर्फ मैं ही इस वॉशिंग मशीन को चलाती हूँ। अच्छा, वो वाली जो पहली वाली मशीन थी उसको तकरीबन सब लोग यूज़ करते थे, जो सुपर एशिया की थी उसको कभी कोई कपड़े वॉश कर रहा है, कभी कोई, कभी कोई, यानी कि घर में जितनी भी ख्वातीन होती हैं, कोई सास है, नंद है, दुरानियाँ जठानियाँ हैं, मकसद है वो सब उसको यूज़ करती थी। और जो ये वाली फिर उसके बाद यानी कि वो मैंने अपने खुद ने यूज़ की, तो माशाल्लाह वो बहुत चली, बहुत चली, और ख़राब होने से पहले ही वो मैंने किसी को दे दी बहुत अच्छी कंडीशन में। और उसके बाद फिर मैंने ये वाली मशीन बाय की। बहरहाल अगर आप वो मशीन सुपर एशिया की लेना चाह रहे हैं तो सुपर एशिया की मशीन बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, वो बेहतरीन चलती है। बस अगर आप उसको अच्छे तरीके से चलाते हैं तो वो बेहतरीन आपकी मशीन चलेगी, बस आपके यूज़ करने की बात है। और अब जो है ना वो मैंने ये वाली हायर की वॉशिंग मशीन ली है। अच्छा जी, तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ कपड़े। ये देखें, मेरे हर तरह के आज कपड़े हैं, मिक्सअप कपड़े हैं, शलवार कमीज़ हैं, बनियान हैं, और अपर्स वगैरह हैं, कुछ इस तरह से मैंने जो है ना आज इसमें कपड़े वॉश करने हैं। और जो इसका पानी है उसको भी मैंने रीयूज़ करना है। उसके बाद मैंने अपनी हैवी रग इसमें वॉश करनी है, वो भी ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इनको वॉश कर लूँ उसके बाद, और फिर मैं दूसरे कपड़े वो रग को डालूंगी। अच्छा, ये मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि इसमें कितने कपड़े धुलते हैं। ये आपके सामने मैंने कपड़े वो डाले हैं, इसके अंदर अभी और भी कपड़े आ सकते हैं, यानी कि इस तरह से डाल के इसमें मैं अभी और कपड़े डाल सकती हूँ। तो बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कितने कपड़े वॉश करना चाह रही हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सर्फ, क्योंकि मैं जो सर्फ़ है ना इसमें नहीं डालती, मैं इसके अंदर सर्फ या सॉफ्टनर नहीं डालती, मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ जो मुझे टेंशन ना हो, क्योंकि एकदम से जैसे ही वो मैं उसको चला के छोड़ देती हूँ और मुझे सर्फ का अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने कितना डाला है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है सर्फ, अक्सर मैं भूल जाती हूँ, ये मैंने इसको
लिड को बंद कर दिया। अच्छा, लिड के बगैर ये नहीं चलेगी, लिड को बंद करना पड़ेगा। अब मैं इसको ऑन कर रही हूँ और ये मैंने वूल और हैवी पे कर लिया है। इधर से मैं इसका टाइम सेट करूँगी, 7, 8, 9 पे लगा देती हूँ। अच्छा, अब इसका वॉश टाइम है, मैं इसको तकरीबन 15 पे लगाऊंगी। मेरे कपड़े इतने में बेहतरीन वॉश हो जाएंगे। अच्छा, ये 1 टाइम है और स्पिन टाइम इसका 8 है। और अब मैं इसको लगा रही हूँ। अच्छा नहीं, मैंने इसका जो है ना वो रिंस टाइम स्टॉप करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, मैं इसको इस सेटिंग दोबारा से करने लगी हूँ। ये मैंने वूल और हैवी पे कर दिया है और ये लेवल वाटर लेवल लाई हूँ मैं 7, 8, 9 पे ले आई हूँ। वॉश टाइम इसका 15 पे कर दूँगी। इतने में मुझे लग रहा है कि मेरे कपड़े अच्छे से वॉश हो जाएंगे। रिंस टाइम को मैं 0 कर दूँगी और जो स्पिन टाइम है वो 8 है। और अब मैं इसको ऑन कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये रिंस टाइम है ना, वो इसको उसने स्किप कर दिया है, तो मैं पानी निकालने के बाद इसको ज़रा दोबारा से सेट कर लूँगी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने ऑन किया है, मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इसका यही वाला पानी जो है ना वो इसको रीयूज़ करना है। चलें जी, अब ये अपना पूरा चक्कर करके जब बंद होगी फिर मैं ज़रा आपको चेक करवाऊँगी और इसके बाद हम इसको दोबारा से फिर ऑन कर देंगे। अच्छा जी, मशीन बंद हो गई है, इसका वॉश टाइम बंद हो गया और अब इसने पानी निकालना है, तो मैं अब इसका पानी निकाल रही हूँ, इसको ऑन कर रही हूँ और ये पानी मैं टब में भर लूँगी। सारा पानी मैं इसका दोबारा से रीयूज़ करूँगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसका पानी जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। तो इसका पानी मैं इस तरह से ना अब दोबारा से निकाल लूँगी और इसे मैं दोबारा यूज़ करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी रग धुलने वाली है, तो वो मैं इसके अंदर वॉश करूँगी। अच्छा, ये मेरे कपड़े कुछ ड्राई करने वाले हैं, वो दिखा रही हूँ और मशीन का बैलेंस दिखा रही हूँ कब ये किस तरह से करेगी, क्योंकि कपड़े मैंने यूं ही फेंक दिए थे। ये देखें, ये कपड़े इस तरफ हैं ही नहीं। ये मैं ज़रा चेक करवा देती हूँ, सारे कपड़े इस तरफ इकट्ठे हैं और इस तरफ हैं ही नहीं। जब हम इस तरह कपड़े डालते हैं तो मशीन की आप आवाज़ सुनना, फिर ये किस तरह से खुद ही बैलेंस करती। कोशिश तो करें कि सारे इक्वल करके डालें, ना डल सकें तो अब आप ये देखेंगे कि ये कपड़ों को किस तरह से इक्वल करेगी, चलेगी और किस तरह की आवाज़ देगी। तो ये जब ये इस तरह से करने लग जाए तो आपने समझ जाना है कि मशीन का बैलेंस ठीक नहीं है। ये देखें ये कैसे कर रही है, जब ये बैलेंस करेगी तब नहीं चलेगी। देखिए ये यूं करती है, तो ये तरीका ठीक नहीं है। बेहतर है कि आप इसको करें स्टॉप और ये कपड़ों का कर लें आप बैलेंस इस तरह से। ये कपड़े यूं फैला दिए और अब इसको फिर से स्टार्ट करें और अब आप देखना इस मशीन को, अब ये इक्वल चलेगी। इस तरह भी आवाज़ बहुत ज़्यादा देती, पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन गड़बड़ करने लग जाती, हिलने लग जाती। अब देखें, अब नहीं कर रही ना, कोई टेंशन नहीं है। अब ये स्लोली स्लोली इस तरह से बस बड़ी स्मूथ होके चल रही है, क्योंकि इसका बैलेंस ठीक है, अंदर वाला भी ठीक है, बाहर वाला भी ठीक है। अच्छा जी, मशीन खाली हो गई है, मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और जो ये वाला पानी है ये मैंने बाल्टियों में, एक बाल्टी और एक टब भर लिया था, उसके अलावा जो था वो मैंने फेंक दिया था, ठीक है। अब जो है ना मैं इस वाले पानी को दोबारा से इस मशीन में इस तरह से डालूंगी। अगर आपने अपना पानी दोबारा से रीयूज़ करना है तो एक तरीका उसका ये है, और एक और तरीका जो मैंने पहले बताया था वो भी मेरी इस वीडियो में है। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप मेरी वीडियो से वो तरीका देख सकते हैं। तो इस तरह से बहरहाल मैं ये पानी सारा इसमें डालूंगी, ये जो सारा पानी रख। ये देखें, टब और बाल्टी दोनों खाली हो गए। अब ये वाली है मेरी रग,
ये आपके सामने काफ़ी बड़ी सारी है। अब इसे मैं डाल रही हूँ मशीन में, ये पानी मैंने इसमें डाल दिया था, अब ये मैं मशीन में पानी डाल ये रख डाल रही हूँ। भर गई है ये, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छे से धुलेगी। तो मैंने सर्फ़ डाल दी इसके साथ ही, और क्योंकि पानी कम था, अच्छा उस पानी में सर्फ़ जो है ना वो कम ही हमें फ़ील होता है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, ये मैंने ऑन किया, हैवी पे ले आई, और ये मैं इसका टाइम सेट कर रही हूँ 9 और ये 10, 21 का है मेरा ख्याल है कि 15 मिनट इनफ होंगे, 14, 15, 2 है। इसको मैं बंद कर रही हूँ, ये स्पिन टाइम 8 है और ये स्टार्ट कर दिया। अब ये पानी लेगी, लेना स्टार्ट कर दिया, फिर इसको वॉश करेगी। अच्छा एहतियातन जब ये पानी ले ले चलने लगे तो आप इसके पास आ जाएं, क्योंकि ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हैवी कपड़े हैं। ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह धो रही है, कहीं पानी कम तो नहीं है या मशीन गड़बड़ तो नहीं कर रही, क्योंकि मैं भी ये वाली ये रग जो है ना फर्स्ट टाइम धो रही हूँ। तो चले फिर अभी जब ये ऑन होगी फिर मैं देखूँगी आके। तो ये मशीन ने पानी फुल कर लिया है और अब मशीन जो है ना वो रिंस कर रही है। ये देख लें, ये मेरा बड़े वाली जो रग है ना वो मैंने पूरी की पूरी इसमें डाल दी है। और ये इसका सिस्टम है, ये इसका वाटर लेवल आया, मैंने फुल किया इसको 10 लेवल पे। ये वॉश टाइम यानी कि वॉश कर चुकी है, अब ये रिंस करेगी ये, ठीक है। रिंस के बाद फिर ये अपना पानी निकालेगी और उसके बाद फिर इसने ड्राई करना है और ये अपना बजर बजा देगी कि आ जाएं और मेरे अंदर से कपड़े निकाल लें, ठीक है। आप ये देखें इस तरह से, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रही है ये। ये देखें जैसे कपड़े अटक जाते हैं ना वो वाला, इसमें कोई इशू नहीं है।